अफगानिस्तानमांथी ड्रग्स लावीने दरियाई मार्गे भारत में घुसाड़वाना षड्यंत्रनो पर्दाफाश थयो छे। गुजरात एटीएसनी टीमे गत रात्रे इंडियाना कोस्टगार्ड साथे बळीने कच्छना दरिया में एक ऑपरेशन पार पाड्यु, जेमां एक बोटने ट्रेस करीने तपास करता तेमांथी 280 करोड़ रूपियानुं ड्रग्स झड़पी पाड़वामां आव्युं छे। तो आ ड्रग्स रेकेट पाछळ पाकिस्तानुं कनेक्शन होवानो खुलासो थयो छे, कारण के अलहज नामनी जे बोटमांथी अलग अलग 58 बेगमांथी ड्रग्स मळी आव्युं छे, जे बोट पाकिस्तानी छे। एटलू ज नहीं, तेमां सवार 9 लोको पण पाकिस्तानी होवानुं सामे आव्युं छे। आ ड्रग्स रेकेटनो मास्टर माइंड गणातो मुस्तफा नामना स्मगलर पाकिस्तानथी ड्रग्स लावीने पाकिस्तानना कराची बंदर मार्फते भारतमां सप्लाई करवानी वात सामे आवी छे। तो गुजरात पोलीसे हवे ए दिशामां तपास करी रही छे कि आटला मोटा प्रमाणमां ड्रग्सनी खरीदी कोण करी रह्युं हतुं, आ ड्रग्स कोने केवी रीते अने क्यां पहोंचाडवानुं हतुं। 3-4 દિવસથી જે છે ઓપરેશન શરૂ થયું હતું અને પછી ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડની જે ઇન્ટરસેપ્ટર બોટ છે એમના સ્થાનિક આઈજી સાથે કોન્ટેક્ટ કરી અને એટીએસની ટીમ સાથે એ હાઈ સીઝમાં ગઈ હતી અને આજે રાત્રે એટલે ગઈ રાત્રે 2-3 વાગે જે છે આ સીઝર થયું છે અને એની અંદર આ ટોટલ 56 જે બેગ છે 56 કેજી લગભગ અપ્રોક્સિમેટલી થાય છે। तो ये हिरोइन ना जे छे ये सीजर थया छे अने आ जे बोट जे पकड़ाई छे अल हज नामनी बोट छे पाकिस्तानी बोट छे, एमां 9 टोटल जे 9 क्रू मेम्बर छे पाकिस्तानी क्रू मेम्बर छे ए पकड़ाया छे। एक मुस्तफा करीने जे स्मगलर छे पाकिस्ताननो जे कराची बेस छे एमनू आ काम छे, जे प्राथमिक जे माहिती मळी छे ए त्यां आईएमबीएल उपर जे छे इंडियानी जे सीमा ज्यांथी शुरू थाय छे त्यांथी लगभग 15 नॉटिकल माइल इंडियन साइड उपर आ जे छे आ सीजर थयुं छे अने आ बोट पण पकड़ाई छे अने 9 माणसो एनी अंदर पकड़ाया छे अने एना डेस्टिनेशन जे हता एक वखत कदाच ए लोकोने सक्सेस मळी होत तो नॉर्थ बाजु जवानी शक्यता हती। तो ए बाबतमां पण अमारी टीमो लागेली छे के कोने माल पहोंचाडवानो हतो, क्यां जवानुं हतुं वगैरे, तो एना माटे पण एने पकड़वा माटे अने आगळनी कारवाई करवा माटे पण जे छे ए तजवीज अत्यारे चाले छे। एक्चुअली जे इंडियन कोस्टगार्डनी जे इंटरसेप्टर बोट हती एमां जोईने ज्यारे अमने अनाउंस कर्या के भाई तमे अमे कोस्टगार्ड छीए तमे क्यां छो एम करीने अने चैलेंज ज्यारे अमने कर्या तो एमने भागवानुं एमने शंका गई अने भागवानुं प्रयास कर्यो, एटले भागवानुं प्रयास कर्या तो पछी आखी चेस जे रीते छे એ વિગતવારની વ્યવસ્થિત ચેઝ થઈ અને ચેઝમાં પછી કોસ્ટગાર્ડને ફાયરિંગ પણ કરવું પડ્યું અને એમાં એમના 2-3 જણાને થોડી ઈજા પણ જે છે થઈ છે, કોઈ સિરિયસ નથી હાલ જે માહિતી મળી છે।